तेरा मेरा वहां आज रिश्तों का सौदा होने लगा चलने लगा इंतकामों का सिलसिला जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे इंसानियत अपनी आदत खोने लगे अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले बस वक्त के हाथ में है फैसला कैसी कश्मकश कैसी कश्मकश अपनी जान मेरे खातिर जोखिम में डाल दी यही तो इंसान की पहचान होती है कि वो अपनी जान से ज्यादा दूसरों की जान की परवाह करे हाय आई एम विनिया होजा हाय आई एम साहिल साहिल मित्र साहिल यानी कि किनारा अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस्टर किनारा मैं अभी किनारे पर क्यों अटक गई नहीं कुछ नहीं खैर छोड़िए आप बताइए आप कौन सी दुनिया में थे अगर मैं एक सेकंड लेट होती तो मैं परमानेंटली लेट हो जाता शायद देखिए ऐसी बात ही नहीं करते क्या करूं आदत सी पड़ गई मैन आई एम रियली सॉरी एनीवेज नाइस मीटिंग यू सेम हियर अरे आप तो खून निकल रहा है नहीं इट्स नहीं 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 मैं चलिए हम ट्रीटमेंट कराते हैं आपका पहले प्लीज कोई बात नहीं लेट्स गो लेट्स गो वेल मिस्टर साहिल आपकी लाइफ जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ट्रेजेडी से भी भरी है होनी भी चाहिए ना इंसान की लाइफ में सुख और दुख दोनों ही होना चाहिए दुख वो क्यों क्योंकि जब तक दुख नहीं होगा तब तक सुख की अहमियत नहीं पता चलेगी इंसान को राइट राइट वेल सेड माइंड ने एकदम फिट कर लिया वैसे आप मुझे अपना दोस्त मान सकते हैं और दोस्त तो होते ही है एक दूसरे की मदद के लिए मैं कुछ समझा नहीं मतलब ये कि आपको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए एक पार्टनर की जरूरत है राइट मैं वो पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ मैं मजाक नहीं कर रही कहिए आपको मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाने में कोई एतराज तो नहीं आप क्या वाकई देखो साहिल सबसे पहले मैं आपकी दोस्त हूँ बिजनेस पार्टनर बाद में शर्माना बंद कीजिए और ये बताइए कि हम आगे की डिस्कशन के लिए कब मिल सकते हैं अब जब आपने मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो मिलना तो पड़ेगा ही लेट्स गो चलिए आपकी सोच बता रही है कि साहिल ने आपके दोस्त के साथ कंपनी खोलने से इनकार कर दिया हाँ बेटा इतनी बड़ी इंसल्ट फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं वो इसलिए मंदिरा कि उसका इंसल्ट करने का तरीका भी मुझे अच्छा लगा है पापा दुश्मनों की बेइज्जती भी आपको अच्छी लगती है और अपनों का प्यार भी बुरा लगता है ऐसा क्यों लगता है कि तुम अच्छी तरह से समझती हो समझती हूँ लेकिन जानती नहीं थी कि अपने आप को चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरपर्सन कहने वाला इतना गिर जाएगा कि एक मामूली इंसान के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाएगा भीख मांगेगा और जिसके लिए भीख मांगी गई है वो उसे ठुकरा देगा लेकिन ये इंसल्ट चेयरपर्सन को बहुत अच्छी लगती है ना मंदिरा
बुरा लगा, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी नहीं कहूंगी पापा, क्योंकि आपकी सिखाई हुई एक बात मुझे अब तक याद है, जो देखो उसे सच मानो, राइट? और भी बहुत सारी बातें सिखाई हैं मैंने, वो सब कैसे भूल गई? भूलने के लिए तो आप भी बहुत कुछ भूल गए पापा, अपनी बेटी को, उसके प्यार को। अगर आपको कुछ याद रहता है तो वो सिर्फ आराधना और उसके लिए प्यार। जब बड़े ही अपना फर्ज भूल गए तो छोटों से कैसी हो? एक मैं हूं जो तुम्हारे लिए पापा के फैसले के खिलाफ भी साजिश कर बैठती हूँ, और तुम जो बिना सोचे समझे फैसला ले लेते हो। मॉम, अब हमारे लिए ये फैसले लेना अहम हो गया। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी चाल कामयाब नहीं। इट्स ओके मैम, होता है। फिलहाल तकदीर हमारे साथ नहीं, बाजी हाथ में आकर निकल जाती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए मॉम, अगला बार खाली नहीं जाएगा। नहीं, मैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दुश्मन को मारने के लिए अपने हाथ उनके खून से रंगना जरूरी नहीं, बस उन्हें मात देते जाओ। बार बार मात खाने से वो खुद ही मर जाए। पहले दिमाग का इस्तेमाल करो, अगर फिर भी बात ना बने तब हथियार का इस्तेमाल करो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूं? मैं इतना ना समझ भी नहीं हूं। गुड। वैसे तुम्हें अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन को मात देने के लिए तुम्हारी मॉम ही काफी है। साहिल। अरे माँ। आज वो देर कर दी। हाँ माँ, दर थका हुआ लग रहा है, पानी लेकर आती हूँ। कहिए। पहले ये बताओ कि तुम्हारा अचानक फोन कट क्यों गया था? कब से ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा था। पूछो मत तनु, आज तो क्या क्या नहीं हुआ। जैसे? जैसे कि मेरी जान जाते जाते बच गई मैडम। क्या? गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वैसे तुम किस दुनिया में खोए हुए थे? मैडम, आप ही से बात कर रहा था उस वक्त में। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वो कहते हैं ना कि जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो यूं समझ लो कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। क्योंकि जिस इंसान ने मेरी जान बचाई उसने मेरे ऊपर मुसीबत आने से भी बचा ली। मतलब ये कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है और उसने मेरे साथ पार्टनरशिप करने के लिए हाँ कर दी। ग्रेट। क्या बात है, इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे पहले तनु को सुनाई जाएगी। लिसन, आई विल कॉल यू बैक। ओके ओके, बाय बाय। फोन क्यों काट दिया? ऑब्वियसली माँ, पहले आपको बताऊंगा, उसको तो कभी भी बता सकता हूँ। माँ, यू समझ लो कि आज मुझे कामयाबी की सीढ़ी मिल चुकी है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। आई एम ऑल्सो हैप्पी बेटा। मैं कहती थी ना, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। इसलिए तो मैं भी हमेशा कहता हूँ कि मेरी माँ जो कहती है वो हमेशा सच होता है। यू आर ग्रेट। अच्छे कपड़े बदलने में खाना लगाती हूँ। माँ, बस यू समझ लो कि हमारी जिंदगी से सारे दुख चले गए और बिन्नी आहूजा नाम की खुशी आ गई है उसकी जगह। चीयर्स। ऐसा भी कभी होता है कोई किसी को पहली नजर में इतना प्यारा लगने लगता है? क्या हो रहा है मुझे? साहिल से एक ही मुलाकात ने मुझ पर ऐसा जादू चला दिया है, मैं जाकर भी उसका चेहरा नहीं भुला पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मुझे साहिल से प्यार हो गया है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। मैं तो यहाँ
किसी दूसरे मकसद से आई हूं और मुझे वो मकसद पूरा करना है। यस विनी, तुम साहिल से प्यार नहीं कर सकती, तुम साहिल से प्यार नहीं कर सकती, भूल जाओ उसे, भूल जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे क्या हुआ है? साहिल वो तनु, तुम टेंशन में लग रही हो, बात क्या है? साहिल, साहिल मैंने बहुत बुरा सपना देखा, तुम सो रहे थे और मैंने देखा तुम्हें मार डाला। तनु, तुम ये सोच बैठी कि सच में? प्लीज प्लीज साहिल, और कुछ मत कहना प्लीज। तनु, सपनों का हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है, और आप फिजूल में टेंशन मत लीजिए मैडम। ओके ठीक है। हाँ, तुम कहाँ हो? अरे, अपने होने वाले बिजनेस पार्टनर के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ। अब अगर आपकी इजाजत हो तो जाकर काम खत्म कर लो। हाँ जाओ, और सुनो प्लीज अपना ख्याल रखना। क्यों, उसके लिए आप नहीं है क्या? हाँ हूँ। अच्छा बाय। बाय। क्या सोच रही हैं? वही जिसके बारे में तुम सोचती रहती हो। मामा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी बेटी ने सब कुछ सोच रखा है और मेरा काम भी शुरू हो गया है। मंदिरा, मुझे तुम्हारी सोच पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो? मंदिरा का प्लान कभी फेल नहीं हो सकता, और आराधना मंदिरा के बाहर से बच नहीं सकती। कैसे यकीन करूं मंदिरा, तुमने पहले भी आराधना पर वार किया है लेकिन तुम उसे घायल नहीं कर सकी। मामा, गलती हर किसी से होती है, और मेरी गलती ये थी कि मैंने आराधना को कमजोर मानकर हल्के ढंग से वार किया था। मतलब इस बार तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे कहर से आराधना को कोई नहीं बचा सकता? अगर यकीन नहीं होता तो मैं इतनी रिलैक्स नहीं होती। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे मयंक की फिक्र हो रही है। तुम तो आराधना को रुला दोगे, लेकिन तनु को साहिल से अलग करना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है ना मामा, वैसे भी साहिल अपनी बातों में फंस चुका है, और रही बात उन 30 दिनों की, तो वो 30 दिन भी बहुत जल्द गुजर जाएंगे और साहिल हाथ मलता रह जाएगा। ना उसे कामयाबी मिलेगी और ना ही तनु, क्योंकि तनु को पाने के लिए उसका कामयाब होना बहुत जरूरी है। साहिल को इतना बेवकूफ मत समझो, वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ है, और तुम जानती हो कि साहिल हर काम बड़ी हिम्मत से करता है। तुम्हें शायद बुरा लग रहा होगा कि मैं दुश्मन के बेटे की इतनी तारीफ क्यों कर रही हूं, लेकिन हकीकत तो हकीकत है मंदिरा। साहिल को जो कामयाबी पानी है वो सिर्फ हौसले के बल पे नहीं,
बात पैसों की है, जो उसके पास नहीं और ना ही कभी होगी। वो सब तो ठीक है मंदिरा, लेकिन भगवान वक्त वक्त पर आराधना पर मेहरबान होते रहते हैं। क्या पता इस बार भी कुछ ऐसा ही हो। नहीं मम्मा, इस बार साहिल के लिए आराधना की दुआ मददगार नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम्हारा दिमाग तो सही है? क्यों मामा, क्या हुआ? तुम साहिल के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी? हाँ मामा रखूंगी, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हें पता भी है करवा चौथ का व्रत किस लिए और क्यों रखा जाता है? हाँ मामा पता है, अपने पति के लिए, और मैं अपने होने वाले पति के लिए व्रत रखूंगी बस। शट अप तनु, जब तक साहिल अपने आप को प्रूव नहीं कर देता और तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तुम ये व्रत रखने का नाटक नहीं करोगी। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ मामा, मैं ये व्रत रखूंगी। ओ, तो तुमने डिसाइड कर लिया है तुम ये व्रत रखोगी? एक बात का जवाब दो तनु, अगर साहिल अपने आप को साबित नहीं कर पाया तो? वो करेगा मामा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे नहीं है, इसलिए जब तक साहिल अपने आप को साबित नहीं कर देता और तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तुम्हारा ये व्रत रखने का कोई हक नहीं बनता। साहिल के लिए मेरा हक क्या है ये मुझे आपसे जानने की जरूरत नहीं है मामा। तनु, तुम्हें पता है तुम ये करके अपने डैड के फैसले के खिलाफ जा रही हो। I'm sorry, mama. सच पूछो साहिल, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक या दो मुलाकात में मैं किसी से इतना जल्दी घुल मिल गई। यूं समझ लीजिए विनी जी कि मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब दोनों एक दूसरे की बातें पसंद करते हैं, राइट? साहिल, मुझे तो तुम पसंद हो। जी? अब कहाँ खोई हुई हैं विनी जी? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं ये कह रहा था कि जो रेट लिस्ट मैंने तैयार करी है वो आपने अपने बॉस से डिस्कस कर ली? इट वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट। तुम्हारा पेपर वर्क इतना अच्छा था कि कोई ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाया। थैंक्स अ लॉट। सर में दर्द हो रहा है। ओके, एज यू विश, लेट्स गो देन।